अरेंज मैरिज लव, वो मुझे अच्छा लगा, मैं उसको अच्छा लगा, हो गया लो। ये क्या घंटे का लव, उसका सर ना फूटे, घर वाले कुत्ते ना बन जाए, उसे हम बिहार में तो अरेंज ही मानते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम ए आर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम ए आर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया।
अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना भी देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली, आगरा, मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना भी देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना
इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है।
सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार सज्जत अली खान रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण
तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली, आगरा, मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा
और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना भी देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझणी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना भी देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर
मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार
और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट, टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली, आगरा, मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट, टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं,
विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें S. वेंकटेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें S.
टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना भी देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार सज्जत अली खान रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया।
इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 31 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली, आगरा, मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 31 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी।
रांचनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकटेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांचनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे।
फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई
में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके COVID-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली, आगरा, मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित
किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझणी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझणी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी
असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट, टेश विष्णु, विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू, सूर्यवंशी, खान अय्यर, मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली, आगरा, मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट, टेश विष्णु, विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू, सूर्यवंशी, खान अय्यर, मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया।
फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक
भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए।
फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट, टेश विष्णु, विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर, मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात, जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझणी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली, आगरा, मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट, टेश विष्णु, विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर, मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात, जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझणी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई।
बावजूद इसके COVID-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकटेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके COVID-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकटेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं।
आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई।
इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना भी देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट, टेश विष्णु, विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर, मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात, जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली, आगरा, मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना भी देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट, टेश विष्णु, विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर, मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात, जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई
और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी।
जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इससे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना में देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार सज्जत अली खान रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वात जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिंपल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया।
इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना भी देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी, बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली, आगरा, मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम AR रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता, कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने सुर्खियां भी बटोरी थी। आगे इसकी ढालना भी देखेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, सज्जत अली खान, रिंकू के पिता और मंत्री के पिता के भूमिका में इसमें दिखाए गए हैं। धनुष इसमें एस वेंकट टेश विष्णु विशु के तौर पर अभिनय करेंगे। सारा अली खान को इसमें रिंकू सूर्यवंशी, खान अय्यर मंजरी की बेटी के भूमिका में दिखाया जाता है। सीमा विश्वास जो कि दुल्हन सूर्यवंशी के रूप में इसमें अभिनय करेगी। पंकज झा इसमें रिंकू के चाचा होंगे। डिम्पल हयाती इसमें मंदाकिनी होंगी। आनंद बाबू इसमें विशु के पिता और नित्या रविंद्रन इसमें विशु की माँ के भूमिका में अभिनय करेगी। जी मुरुथुनी इसमें मैंडी के पिता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आज मैं आपको अतरंगी रे फिल्म की कहानी, जानकारी और इसके रिव्यू दूंगा। अतरंगी रे एक भारतीय फिल्म जिसे आनंद एल राय द्वारा निर्देशित और हिमांशु शर्मा द्वारा लिखित किया हुआ है। यह 2021 की नई भारतीय हिंदी भाषा की एक रोमांटिक और फंतासी ड्रामा फिल्म थी। रांझनी की रिलीज के बाद 2014 में ही राय ने इस फिल्म के विचार की कल्पना रखी थी। उन्होंने शर्मा के साथ पटकथा भी विकसित की। मानवीय भावनाओं, विशेष रूप से प्रेम की जटिलताओं के विषय की खोज की और विषय पटकथा और समय की सापेक्षता को देखते हुए धनुष को कास्ट करना इस फिल्म के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन बाकी की कास्टिंग अभी भी बाकी थी। जैसा कि परियोजना की आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के अंत में घोषणा की गई, फिल्मांकन प्रक्रिया मार्च
2020 में शुरू हुई के अंत में ही हुई और मार्च 2021 के भीतर पूरी तरह से हो गई। बावजूद इसके कोविड-19 में भारत महामारी में 6 महीनों तक इसका फिल्मांकन समाप्त हो गया। फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर वाराणसी बिहार के कुछ हिस्सों में तथा दिल्ली आगरा मुंबई में कुछ दृश्यों की गई थी। कुराईकुड़ी में भी इसका दृश्य दिखाया गया। इरशाद कामिल द्वारा इसके गीतों को साथ स्कोर को और साउंडट्रैक एल्बम एआर रहमान के द्वारा रचित बताए गए। छायांकन और संपादन इसका पंकज कुमार और हेमल कोठारी के द्वारा था। महामारी के कारण तालाबंदी के परिणाम स्वरूप इसकी रिलीज की तारीखों को कई बार रोका और कई बार बंद कर दिया गया। अंततः जाकर इसे निर्माताओं ने 21 दिसंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के माध्यम से दुनिया भर में प्रदर्शित करने का फैसला किया। इसके नाटकीय रिलीज के बावजूद इसे लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आई। इसे तमिल डब संस्करण भी उस समय प्राप्त हुए। फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेता कास्ट और कहानी की जमकर तारीफ हुई, जबकि इसकी असंगत पटकथा और सामग्री के लिए इसने